अरे क्या थोड़ा यार पैर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया अखबार के माध्यम से बराबर कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना हमारा साझा अनुभव सही नहीं है, हम छोटे छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कल यहाँ पर बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका? जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेगा, जो उनके सिद्धांत विचारों पर चलना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। राजभर जी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा कहना है कि अगर उनके सरकार बनती है तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। जो भी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, विचारधारा, कार्यक्रमों को मानेगा, उनमें अगर कोई छूटा कार्यक्रम या विचारधारा होगी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगीकार करेंगे। कि आखिर गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन क्यों लाए? हमने कहा जब गुंडा एक्ट का दुरुपयोग होता है, भारतीय जनता पार्टी इसको गुंडा नियंत्रण विधेयक का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है। पहले गुंडा एक्ट पुलिस लगाती थी, इंस्पेक्टर साहब ने गुंडा एक्ट की फाइल बनाई, एसपी साहब ने अप्रूव कर दिया, जिलाधिकारी के यहाँ वो गुंडा एक्ट की फाइल गई, जिलाधिकारी महोदय ने गुण दोष के आधार पर या तो रिजेक्ट कर दिया या उसे अप्रूव कर दिया। लेकिन अब गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन में जो नई व्यवस्था आई है, उस नई व्यवस्था में जिलाधिकारी का रोल नहीं होगा। जिलाधिकारी को न्याय डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई पुलिस के द्वारा फाइल जाती है तो गुण दोष के आधार पर रिजेक्शन करता है या अप्रूव करता है। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है सरकार, आखिर ये क्यों कर रही है? गरीबी की रेखा के तो ऊपर सब व्यक्ति हो गए, तो अगर गरीबी की रेखा के ऊपर सब व्यक्ति हो गए तो फिर गरीबी की रेखा का मतलब क्या है? इस तरीके के भ्रामक बातें मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से सदन में आ रही है, सदन के अंदर बोलते हैं। पत्रकार भाई जब इस बात की असलियत को अपने अखबारों में लिखते हैं तो बोले पत्रकार गलत लिखते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से अभी उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन जो आया उत्तर प्रदेश के सदन में, हमने पूछा, सदन के अंदर पूछा कि आखिर गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन लाने की आवश्यकता क्या है? तो सदन में विधान परिषद का समाजवादी पार्टी का बहुमत है, बहुमत के आधार पर पीठ ने निर्णय दिया कि इसको हम प्रवर समिति को भेज देंगे और प्रवर समिति की बैठक को ही मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता किया। हम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रवर समिति की बैठक में गए और उसकी समीक्षा होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जिस समाज की समीक्षा होती है और समीक्षा करके आयोग संस्तुति करता है, आयोग उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति को देखकर तय करता है कौन जाति आरक्षित वर्ग में शामिल करने लायक है या नहीं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करता हूं। दूसरे इधर से आइए, इधर से जियालाल राजभर जी के माध्यम से श्री भार्गव भैयालाल राजभर एडवोकेट भारतीय समाज पार्टी पूरी युवा जिला अध्यक्ष वाराणसी, श्री ओम प्रकाश राजभर एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है रोहनिया के, श्री रमेश राजभर एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ नेता है रोहनिया के, मंगल प्रसाद राजभर एडवोकेट, पप्पू राजभर एडवोकेट, रामा सरे राजभर एडवोकेट, ओम प्रकाश राजभर एडवोकेट, श्री राम वृक्ष राजभर, श्री सुलभ राजभर, श्री विनोद राजभर, श्री सुनील राजभर, श्री सुभाष राजभर, श्री बजरंगी राजभर, ये आज सब समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद में अपने साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। मैं इनको समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करता हूँ। सूची हमारे जिलाध्यक्ष आप तक पहुँचा देंगे। अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, अभी साइकिल यात्रा 5 अगस्त को निकाली, लखनऊ में आपने दिखाया, देखा भी, पूरे प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों से लेकर गाँव में साइकिल यात्रा चलेगी और निश्चित रूप से जो भी हमारा नेतृत्व तय करेगा
वो हम कार्यकर्ता लोग उसे लागू करेंगे। टिकट बंटवारे में आप किसको तरजीह देंगे, पिछले कैंडिडेट जो आपके थे वो या कुछ नए चेहरे इस बार? असल में टिकट वितरण में हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड होता है, एक राज्य संसदीय बोर्ड होता है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड होता है। राज्य संसदीय बोर्ड जितने आवेदित लोग हैं उन आवेदित लोगों में एक पैनल तय करता है कि 3-4 का पैनल बना करके वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड उन प्रत्याशियों के बारे में जो राज्य संसदीय बोर्ड की राय है वो प्लस उनकी अपनी जो समीक्षा है उसके आधार पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। इस समय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, किसानों की फसलों की लूट, मजदूरों को बेसहारा छोड़ देना, महिलाओं का सम्मान न करना, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों का उत्पीड़न, उनको संविधान सम्मत अनुमन्य आरक्षण न देना, बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को चौपट करना, गन्ने के बकाया मूल्य न देना, आज पूरे एक साल से किसान दिल्ली में आंदोलनरत है कि हमको ये 3 काले कानून नहीं चाहिए, कारपोरेट कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है इस व्यवस्था के विरोध में भारत का किसान है और समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है। नहीं, हमने नहीं, हमारा लक्ष्य 351 भेजना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन आपके मीडिया के सामने कहा था कि वो इतनी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 400 कह रहे हैं। 2012 में अखिलेश जी ने खत्म कर देंगे, नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी करके कहा काला धन खत्म कर देंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने किस धन का इस्तेमाल किया है ये सारा प्रदेश जानता है कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी, इनकी कथनी करने में भेद है। इन्होंने जो जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया, इसलिए जनता में बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी सरकार आए और अखिलेश यादव जी आवें, ये जनता चाहती है। इस बात का आभास अभी पंचायत के नीचे के चुनाव में आभास हो गया, इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ पूरे देश का यही उद्योगपति लगाएंगे, यहीं पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाएंगे और चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता को अधिकार है और जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी हटाना है और अखिलेश यादव जी को लाना है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने बूथ प्रबंधन को, अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को, मतदाता सूची में संशोधन करके, छूटे हुए मतदाताओं को जोड़कर और नए जो 18 वर्ष के नौजवान हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे, अपने बूथ प्रबंधन के माध्यम से इस जालिम अत्याचारी हुकूमत को हटाने का काम करेंगे।